नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजनीतिक दलों की तरफ से जो पूरी कोशिशें हैं उसके जो पैर हैं वो पसारने की भी प्रयास जो है वो लगभग शुरू हो चुके हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता में है और ऐसे में वो जानती है कि कहाँ पर कौन सी कड़ी उसकी कमजोर है और उस कड़ी को कैसे मजबूत किया जा सकता है। कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं, कुछ लोग नाराज हैं, कुछ पब्लिक जो है वो नाराज है, तो ऐसे में इनको कैसे मनाया जाए, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे इसे विस्तार दिया जाए, कैसे वोट बैंक को अपने पाले में खींचा जाए। और सबसे अहम बात है कि जो वोट बैंक उनसे नाराज है, जो 2017 में उनके पाले में आया था, उस नाराज वोट बैंक को कैसे मनाया जाए, इसका मूल मंत्र देने के लिए बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी थे और आज जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी आज राजधानी लखनऊ के साथ साथ गोरखपुर में बैठकें कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि जेपी नड्डा की गोरखपुर में बैठक है जहां पर वो बूथ अध्यक्षों के साथ सम्मेलन कर रहे हैं। वो उनको ये मंत्र देते हुए नजर आएंगे कि आखिर कैसे जो नाराज जनता है उसे मनाना है, जो नाराज वोट बैंक है उसे अपने पाले में खींचना है और जो मूल मंत्र है जीत का वो देते हुए नजर आएंगे। उसके बाद राजधानी लखनऊ में भी उनकी इसी तरह की जो बैठकें हैं वो लगी हुई हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के बीजेपी के जो प्रभारी हैं, एक सेंट्रल के बड़े नेता हैं, वो सब उत्तर प्रदेश में इस वक्त मौजूद हैं और लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि अब कुछ भी करके 2022 का जो चुनाव है उसकी जो बिसात है, उसकी जो रणनीति है वो तय करके आगे की जो अहमियत है समय की उसको समझा जाए और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश फूटने का प्रयास किया जाए, विपक्ष की खामियां बताने का प्रयास किया जाए, किन किन मुद्दों पर विपक्ष घेर सकता है, उन मुद्दों पर कुछ ऐसा निकाल कर, कुछ ऐसा तर्कश से तीर निकाल कर लाया जाए ताकि विपक्ष के वो जो मुद्दे हैं वो लगभग खत्म से हो जाए। उसी के साथ आपने देखा होगा कि दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर भी सामने आई थी जहां पर दोनों एक साथ बात करते हुए नजर आए थे और उसके बाद ये बताया गया था कि आपस की जो केमिस्ट्री है वो लगभग सही है, क्योंकि बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पहुंचे हुए थे और उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पैदल चल रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी में थे। उसका विपक्ष ने काफी कुछ अपने अंदाज में उस वीडियो को पेश किया था और ये कहा था कि आपस में सामंजस्य नहीं है और उसी वजह से इस तरह का जो वीडियो है वो निकल कर सामने आया। मतलब सामंजस्य कैसे बनाया जाए, कैसे एक दूसरे को साथ में रखा जाए, कैसे पार्टी को सही तरीके से और सही दिशा में नेतृत्व में काम कराया जाए, ये कहीं ना कहीं बीजेपी में नहीं है और इसी वजह से ये दोनों अलग अलग थे। लेकिन जो तस्वीर आई उस तस्वीर ने सारे मायने पलट दिए, सारे सवालों के जवाब दे दिए और ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी में लगभग सब कुछ सही चल रहा है। अब विपक्ष के पास क्या बचा? आज नेताजी मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है। उम्मीद जताई जा रही थी कि शिवपाल सिंह यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे जो कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर किया गया है। नेताजी ने कहीं ना कहीं युवाओं के जोश की बात की, उन्होंने ये कहा कि पार्टी कार्यकर्ता लगातार पार्टी के लिए काम करते रहें और उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, देश की जनता बदलाव चाहती है और उसी बदलाव के पथ पर हमें काम करना है, युवाओं को उन्होंने ये संदेश दिया। लेकिन सबको उम्मीद थी कि इस कार्यक्रम में शिवपाल सिंह यादव मौजूद रहेंगे या पहुंचेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी के अलावा प्रसपा ने मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन बड़े पैमाने पर मनाया है, कार्यकर्ताओं ने रैलियां निकाली हैं, जयकारे भी लगे हैं, केक भी कटा है, सब कुछ हुआ है, लेकिन एक मंच पर जब ये नहीं साथ में आए तो कहीं ना कहीं कुछ सवाल जो है वो फिर से एक बार खड़े हो गए हैं कि क्या शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव में सामंजस्य नहीं बना, क्या दोनों पार्टियों में बात नहीं बनी, क्या आने वाले दिनों में ये दोनों पार्टी 2022 का चुनाव एक साथ नहीं लड़ेंगे। इस तरह की जो अटकलें हैं वो लगभग खड़ी हो गई हैं और इन अटकलों पर आगे क्या होना है ये भी देखना अहम होगा। एक और अहम बात यहां पर ये है कि बताया ये जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और होनी थी जो कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच होने वाली थी। बताया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच बातें बन गई हैं, लेकिन वो बातें शायद नहीं बनी और इसी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। सपा चाह रही थी 32 से 30 सीटें देने की अपनी बात को मनवाना चाह रही थी, लेकिन आरएलडी का कहना था कि हमें सीटों का जो गणित है उसमें बड़ा अंक चाहिए और इसी वजह से दोनों के बीच बात नहीं बनी है। अभी तक ये बात निकलकर, अभी तक ये खबर निकलकर सामने आई है। तो क्या आरएलडी
कहीं और भी प्रयास कर रही है, कहीं और उनकी बात बन रही है, क्योंकि अंदर खानों से यह खबर निकलकर सामने आई है कि कांग्रेस से भी उनका कुछ लगाव सा, कुछ बातचीत सी चल रही है। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार अपने संगठन को, कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में लगी है। सेंट्रल की जो फोर्स है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी के साथ साथ प्रदेश के अलग अलग जिलों में काबिज हो गई है, और वो लगातार उत्तर प्रदेश में जो नाराज वोट बैंक है, जो कार्यकर्ता है, जो संगठन है, उसे मजबूत करने में लग गई है। और दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं बिखरा बिखरा सा अभी भी नजर आ रहा है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। 2022 यूपी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बेहद तेज होती जा रही हैं। ऐसे में पीएम मोदी लगातार दौरा कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लखनऊ के प्रवास पर थे, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेता लगातार मिशन 2022 का लक्ष्य हासिल करने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 350 विधानसभा सीटों का लक्ष्य पाने में जुटी भारतीय जनता पार्टी किसी तरह की ढील देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज जन्मदिन है। मुलायम सिंह यादव इस अवसर पर लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग स्थित पार्टी के दफ्तर पहुंचे, जहां नेताओं को अपने बीच पाकर सपा के कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज उठे। तो वहीं सपा कार्यालय में नेताजी के जन्मदिन पर मंच पर शिवपाल यादव नजर नहीं आए। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर सपा के साथ ही शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कार्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिवपाल सिंह यादव खुद सैफई में है। शिवपाल ने मुलायम के जन्मदिन पर उनके गांव में दंगल का आयोजन कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विभिन्न दलों के नेताओं ने मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन की बधाई दी। फिलहाल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। पार्टी से सभी वरिष्ठ नेता चुनावी रैली कर अपनी अपनी पार्टी का प्रचार कर जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने में लगे हुए हैं। पर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2022 यूपी चुनाव का ताज आखिर किसके सर सजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ सभी मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे कराएंगे। राम इदा हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जावेद अहमद हैं समाजवादी पार्टी से, और डीपी यादव साहब हैं प्रसपा से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज की डिबेट में। सबसे पहले मैं जावेद भाई आप ही के पास आना चाहूंगा। ये दिल्ली वाले नेता बीजेपी के उत्तर प्रदेश आ चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं संगठन को मजबूत करने को लेकर के, बूथ को मजबूत करने को लेकर के, और विपक्ष कहीं कुछ बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है। चाहे वो आरएलडी से आपके गठबंधन की बात हो जाए या प्रसपा से आपके गठबंधन की बात हो जाए, क्या इसका नुकसान आप लोगों को नहीं होएगा? जी, बहुत साफ की बात है, समाजवादी पार्टी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से वह संघर्ष कर रही है जिससे देश का लोकतंत्र, संविधान और महापुरुषों का सम्मान बचेगा। कहीं बिखराव की कोई स्थिति नहीं है। जनता जब यह अमल की है तो फिर बाकी चीजें गौ हो जाती। जहां तक दूसरी चीजें आपने कहीं गठबंधन की, वह स्वाभाविक जो वैचारिक आधार के लोग हैं वह इस चुनाव में एक साथ आपको दिखाई देंगे अखिलेश जी के नेतृत्व में, और कहीं कोई संकट नहीं है। और जब संकट नहीं है, जब जनता के साथ विचारधारा का, राजनीतिक दल का, नेतृत्व का गठबंधन हो जाता है, जनता जब उस गठबंधन को स्वीकार कर लेती है तो फिर वो जनादेश में ही परिवर्तित होता है। इसके अतिरिक्त तो कोई और रास्ता नहीं होता। अखिलेश जी जिस तरीके से सभी लोगों को सम्मान देते हुए अपने संघर्ष को बढ़ा रहे हैं, आज वह स्थितियां हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बेदम हो चुकी है। उसके अन्याय, उसकी क्रूरता, उसकी निर्ममता 4.5 वर्ष से जनता देख रही है, और जब वह देख रही है तो आज जो भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार जिस तरीके से बड़ी करुणा और दया दिखा रही है, बड़ी बातें कर रही है, उसका भी कोई प्रभाव समाजवादी पार्टी पर या जनता पर होने नहीं जा रहा है। 2022 में बदलाव निश्चित है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और पूरी तरीके से वह
यह सरकार जनता की सरकार होगी जो जन कल्याण के और जन सरोकार के अच्छा, रास्ते एक पर चीज पूछना चाह रहा था जावेद भाई कि आज तो बड़ा दिन था, उम्मीद लगाई जा रही थी कि शिवपाल सिंह यादव आज सपा कार्यालय आएंगे और उस मंच पर एक साथ आप लोगों को देखा जाएगा, ये उम्मीद लगभग पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी थी और कहीं ना कहीं बाकी लोगों की भी थी और आपके जो सबसे बड़े दुश्मन हैं बीजेपी वाले उनको भी थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देखिए नितिन जी, लोग संभावनाएं लगा रहे थे, ये मीडिया ट्रायल चल रहा था इस बात का, लेकिन कुल मिलाकर एक परिवार का मामला है, विचारधारा का मामला है, वहां पर कोई सर चुनाव आ गए अब तो पार्टी का मामला है भाई। नहीं नहीं चुनाव तो पार्टी का मामला है, जनता का मामला है, इस देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने की ये लड़ाई जो अखिलेश जी लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें पूरा सहयोग समर्थन मिलेगा और संवाद की जो प्रक्रिया है, जो बातचीत है, वो कई बार अखिलेश जी ने भी कहा, हमारे नेता ने आदरणीय शिवपाल जी ने भी कहा, तो उसमें वह कोई संशय नहीं है। ये बादल जो कृत्रिम बादल बनाए जा रहे हैं संशय के, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी डीपी भाई भी बैठे हुए हैं, ये भी बहुत स्पष्ट कर देंगे कि स्थितियां बहुत अनुकूल है, अब विपरीत कुछ है नहीं, विपरीत जो भी कुछ है वह योगी जी के लिए है, मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। ठीक है, मैं आता हूँ। राम हृदय जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। राम हृदय जी, आप लोग लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लगातार बैठकें हैं आप लोगों की, वो शुरू हो गई हैं। कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो पर विपक्ष ने काफी कुछ सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन एक तस्वीर वायरल हुई और उसके बाद सारे सवाल के जवाब आप लोगों ने दे दिए हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए जो आप लोगों की लगातार बैठकें चल रही हैं, और दूसरी तरफ आपको क्या लगता है कि विपक्ष कहीं बिखरा बिखरा सा है, वो लड़ने को तैयार है या नहीं तैयार है, क्योंकि आज नेताजी का जन्मदिन था और उम्मीद जताई जा रही थी कि शिवपाल सिंह यादव सपा कार्यालय पहुंच सकते हैं, लेकिन वो आए नहीं। तो एक तरफ आप लोगों की एकदम फायर वाली तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ विपक्ष में ये सब चल रहा है, आप किस नजर से देखते हैं इसे? देखिए नितिन जी, सबसे पहले तो आज प्राइम टीवी की तरफ से माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री रहे, देश के नेता हैं, उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। और आज स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव साहब की भी पुण्यतिथि है और रामसेवक यादव जी की भी है, तो झलकारी बाई की भी जयंती है आज। आज भारतीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, संगठन में शक्ति होती है, व्यक्ति में नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी संगठन को सर्वोपरि मानती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रात दिन और पार्टी के लिए काम कर रहा है। और आज स्थिति ये है कि माननीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश और प्रदेश में जो लोकप्रियता जनता में मिल रही है, विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर में हम लोग क्या करेंगे। सवाल ये है कि इनके पास न कोई मुद्दा है, न इनके पास न कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है, न कोई नेता है, न कोई नीति है, और ये तो पूरा का पूरा विपक्ष जो है कि गुमराह है। और जब सपा बसपा गठबंधन आपने देखा लोकसभा में एक होकर के लड़े, तो माननीय मोदी जी और योगी जी का रथ रोक नहीं पाए, तो अब ये लोग क्या करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा सरकार बनाने जा रही है योगी जी के नेतृत्व में। आप देख रहे हैं कि किस तरह से 24 घंटा वो काम कर रहे हैं, रात दिन जनता के बीच। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि केंद्र के नेता आएंगे तभी उत्तर प्रदेश में कुछ संभल पाएगा? नहीं, केंद्र के कौन? माननीय मोदी जी बनारस से सांसद हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी लखनऊ लोकसभा से सांसद हैं, सब उत्तर प्रदेश से ही लोग हैं। और माननीय जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष थे और उत्तराखंड के प्रभारी रह चुके हैं। हमारे यहाँ देखिए, हमने कहा ना, संगठन में ही शक्ति होती है, संगठन सर्वोपरि होता है, तो हमारे यहाँ संगठन सब कुछ होता है, रात दिन संगठन के लोग काम कर रहे हैं और पार्टी के प्रति समर्पित भावना से। हमारा 1,65,350 बूथ है और हमने व्हाट्सएप से बूथों को जोड़ लिया है। आपने देखा, देश के गृह मंत्री, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय राजनीति के चाणक किस तरह से कार्यालय पे आए थे, अब एक एक कार्यकर्ता से मिल करके गए। मेरा भी सौभाग्य रहा, मैं भी 10 बजे सुबह मिला था और रात में कार्यालय पे ही उन्होंने रात्रि विश्राम किया था। हमारे कार्यकर्ताओं
का मनोबन बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जितना नित प्रतिदिन काम करती है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके संवाद करती है, कार्यकर्ताओं के साथ जा करके घर पे भोजन भी करती है, और कार्यकर्ताओं का समय जो पार्टी माननीय कलराज मिश्रा जी कहा करते थे कि पार्टी का कार्यकर्ता जो है कि प्राण होता है, और जब प्राण सही रहेगा शरीर भी सही रहेगा, तो पार्टी हमारी कार्यकर्ता पे आधारित है और विचारधारा पे आधारित पार्टी, हम लोग रात दिन काम करते रहते हैं। कितने लोगों का टिकट काटेंगे इस बार आप लोग? देखिए ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तो बताएगा कि कितने लोगों का टिकट कटेगा। तो भारतीय जनता पार्टी पंचायत वाली पार्टी है, यहाँ कोई व्यक्ति और वाद नहीं है, ना यहाँ कोई परिवारवाद है, ये पार्टी तय करेगी कि समय आएगा तो बता दिया जाएगा कितने लोगों का कटेगा, कितने लोगों का टिकट। आप इसको, आप उत्तर प्रदेश में अपने मुकाबले किस पार्टी को देखते हैं? उत्तर प्रदेश में कोई किसी हमारे मुकाबले में ही नहीं है, समाजवादी पार्टी के ही खिलाफ हमको जनता ने 325 सीटें दिया। अच्छा, हाँ उनके ही खिलाफ तो वही वाली लहर बनी हुई है, मतलब ये हम अब तो हम सरकार में 24 तक माननीय मोदी जी भी वहाँ है, माननीय योगी जी भी यहाँ है, हमारे हम अपने जो काम किए जनता के। तो कांग्रेस भी काफी कुछ मजबूत हो गई है उत्तर। कांग्रेस के पास संगठन ही नहीं है, धरातल पे जमीन पे कुछ है ही नहीं है। माननीय प्रियंका जी मेहनत कर रही है, हर जगह जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन संगठन कहाँ है उनका? बूथ पे कोई संगठन है बता दीजिए। केवल घटनाओं पे आधारित राजनीति करना है और जाना है और रोड शो करना है, और उसके अलावा क्या है कांग्रेस के पास? ठीक है, ठीक है। प्रदीप सिंह है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार संगठन और कार्यकर्ताओं को मनाने में, समझाने में और मजबूत करने में लगी हुई है, और दूसरी तरफ आप लोग भी लगातार उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करने में लगे हुए हैं, संगठन को विस्तार करने में लगे हुए हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी कहा गया कि आपके पास संगठन ही नहीं है, तो बाकी चीजें कैसे मजबूत होंगी, कैसे पार्टी मजबूत होगी? निश्चित तौर पर इतनी ईमानदारी से अगर इस प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी बात कर लेती, इस बढ़ती हुई महंगाई पर बात कर लेती, इतनी ईमानदारी से आप जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं इन पर चर्चा कर लेती, किसानों के मुद्दों पर चर्चा कर लेती, गन्ना किसानों के मूल्य पर चर्चा कर लेती, तो निश्चित तौर पर इस पर ईमानदारी दिखाती तो कुछ बात होती। जब भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती तो निश्चित तौर पर जब आप कार्यकर्ताओं की बात करते हैं और आप जब ये कहते हैं कि हमारी सरकार में या भारतीय जनता पार्टी में जाति आधार पर कोई दबाव संगठन में नहीं है या सरकार में नहीं है, तो इसका प्रमाण यह आप उत्तर प्रदेश के 1500 से ज़्यादा थानों पर देख सकते हैं कि जाति आधार पर इनका प्रभाव है या नहीं है, इन थानों पर कौन लोग बैठे हैं, और अधिकतर की पोस्टों पर एक बिरादरी के लोग बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। अब आप कानून व्यवस्था पे जब बात करते हैं, कानून व्यवस्था पे जब ये बात करते हैं और सारे नेताओं की जब बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर टेनी महाराज भी यूपी में रहेंगे और इस तरह के तमाम नेता इनके यूपी में रहेंगे, और किसानों को कुचलते नजर आएंगे, कभी आपको बलात्कार के आरोपी नेता सदन में बैठे नजर आएंगे, और तमाम ऐसे अपराधी जो 114 से ज्यादा अपराधी विधायक सदन में बैठे हुए हैं, या जिस कैबिनेट पर कानून व्यवस्था और विकास का की जिम्मेदारी होती है, उस कैबिनेट में आधे दर्जन से ज्यादा अपराधी बैठे हुए हैं। प्रदीप जी, एक सवाल था मेरा, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि सब कुछ ठीक है, लखीमपुर वाली घटना में जो आरोपी थे वो गिरफ्तार हैं, जांच चल रही है और कुछ भी उसमें ऐसा निकल कर सामने नहीं आएगा, और दूसरी तरफ इन्हीं के एक सांसद हैं वरुण गांधी जो लगातार इसी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका एक बयान ये भी आया है कि जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके खिलाफ भी कुछ जांच होनी जरूरी है इस पूरे मामले को, इस पूरे प्रकरण को लेकर के। सिर्फ वरुण जी क्या, माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसला का फैसला देख लीजिए, उनके जो वर्डिक्ट आए वो उसको देख लीजिए, और आप वीडियो आप सभी चैनलों ने चलाया है कि साफ साफ स्पष्ट है कि किस तरीके से किसानों को गाड़ी के तल नीचे कुचला गया है, और उनके बेटे लगातार जो गवाह हैं, जो किसान लगातार कह रहे हैं उस गाड़ी में उनके बेटे बैठे हुए थे, और टेनी महाराज के तो आपराधिक इतिहास है, और अपराधी इतिहास की जब बात करते हैं तो मुख्यमंत्री महोदय जो इस सदन के की रहनुमाई करते हैं, इस प्रदेश की रहनुमाई करते हैं, उनके ऊपर खुद 10 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं, अपने मुकदमे वापस लेने की सिफारिश करने वाले लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं। निश्चित तौर पर अगर ईमानदारी से कोई काम करना था तो आज अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था, आज ईमानदारी से अगर काम करना था तो 114 से ज्यादा विधायक जिन पर आपराधिक मुकदमे लगे हैं, सरकार इनकी मुकदमों को वापसी की जो सिफारिश कर रही थी, इस तरह की सिफारिश नहीं होनी चाहिए थी। अगर वाकई ईमानदारी से जब आप कर रहे हैं, तो आज उत्तर प्रदेश में हथियारों के मामले में पूरे देश में नंबर वन क्यों है, महिला उत्पीड़न के मामले में पूरे देश में नंबर वन क्यों है, दलित उत्पीड़न के मामले में पूरे देश में नंबर वन क्यों है, और जब आप किसानों की बात करते हैं, किसानों का गन्ना मूल्य तो आप दे नहीं पा रहे हैं, आप किसानों के इसके अलावा आपने बिल का फिक्स चार्ज भी बढ़ा दिया है, आप जब आप नौजवानों की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी साफ साफ कहते हैं यहाँ के नौजवानों में
वो स्किल नहीं है कि उन्हें रोजगार मिल सके, और दूसरी तरफ लगातार चाहे नलकूप भर्ती घोटाला हो, चाहे शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे नर्सिंग भर्ती घोटाला हो, लगातार घोटालों पे घोटाले होते चले जा रहे हैं। वांट निकलती है तो जब परीक्षा नहीं होती, परीक्षा निकलती है तो वो उनकी भर्ती नहीं होती, और केवल और केवल हमसे फीस ली जा रही। ये सारी बातें, इन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की आवाम ने तय कर लिया कि इनका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी सरकार देगी नहीं, लेकिन आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की आवाम इन्हें जवाब देने जा रही है। अच्छा, ये जो दिल्ली के नेता प्रदीप जी आए हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जिन कमियों के बारे में भी आपने गिनाया है और जो पार्टी के नेता बीजेपी से ही नाराज हैं, क्या वो सारा डैमेज कंट्रोल वो दिल्ली के नेता कर सकते हैं? अब दिल्ली से आकर देखिए, बात कुछ भी हो, मुख्यमंत्री महोदय पर कितने भी आरोप लगते हो, लेकिन एक बात तय है कि वो गोरखधाम पीठ के मठाधीश हैं, पीठाधीश्वर हैं। उनको आप पीछे 200 मीटर पीछे पैदल चलाते हुए जब आप दिखाई पड़ते हो ना, तो अपमानित महसूस करता है उसको, उस मठ को मानने वाला, और कहीं ना कहीं वो कुंठा निकल कर बाहर आती है। इस तरह का अपमान कभी किसी पीठाधीश्वर का नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप अहंकारी हो सकते हैं, आप अहंकारी हो सकते हैं, लेकिन इतना भी अहंकार ठीक नहीं कि वो गोरखधाम पीठ के पीठाधीश्वर का इतना अपमान करें और उस मठ को मानने वाले लोग कतई इसको स्वीकार नहीं करें। अच्छा ठीक है, आरजे ये आपका आरएलडी से भी कुछ चल रहा है क्या? क्योंकि सपा से तो सुनने में आया बातचीत नहीं बनी है कुछ। राजनीति में संभावनाओं से कभी इनकार नहीं किया, हम खुले दिमाग से उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति करते हैं, समान विचारधारा के लोगों के साथ हमें चलने में कोई कोताही नहीं है। लेकिन इस समय आज की तारीख में अगर कहा जाए तो निश्चित तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ है और वो मजबूत गठबंधन है। ठीक है, डीपी यादव हैं हमारे साथ परस्पर से। डीपी भाई, आज उम्मीद लगा रहे थे हम लोग कि शिवपाल जी सपा कार्यालय जाएंगे और जन्मदिन है आज नेताजी का, तो शायद मंच पर दिखाई दें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या अटकलें लगाई जाए, क्या उम्मीद अब आगे की लगाई जाए कि क्या आप लोग साथ आएंगे कि या नहीं आएंगे? देखिए नितिन जी, सर्वप्रथम तो मैं सामाजिक न्याय के पुरोधा आदरणीय नेताजी के जन्मदिन पर आपके टीवी चैनल के माध्यम से सबको बधाई देना चाहता हूँ, देशवासियों को। जिस प्रकार से नेताजी ने गरीबों, मजलूमों, वंचितों, पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ी, और कहीं ना कहीं आज जो लाखों लोगों के घर में चूल्हे जल रहे हैं वो नेताजी की देन है, तो सबको बधाई। और जहाँ तक आपकी बात है कि एक मंच पर आने की, तो हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने बहुत पहले ये स्पष्ट कर दिया है कि हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गठबंधन बने, मजबूत गठबंधन बने, जो भारतीय जनता पार्टी को 2022 में सत्ता से दूर करे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चला रही है, कहीं ना कहीं वो लोगों के हित में नहीं है। जिस प्रकार से आप देखिए, बेरोजगार अपने हक की लड़ाई जब लड़ते हैं, वो अपने लिए रोजगार मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके ऊपर लाठियां बरसाती है। जिस प्रकार से महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज में रेप होता है, गैंग रेप होता है, जिस प्रकार से किसानों को, आप देखिए अभी सोनभद्र में जिस प्रकार से घटना हुई थी, उसके पार से आप लखीमपुर में देखिए किस प्रकार से घटना हुई, किसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह से कुचल दिया जाता है उनको। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह रही कि जब उस सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल देता है, उसके बाद से उनके ऊपर FIR दर्ज होती है, और उसी जो किसान को रौनता है गाड़ी से, उनके पिता जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनको मंच पर लेकर के शोभा बढ़ाते हैं जो गृह मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इससे छुटकारा दिलाने के लिए हमारे नेता सदैव दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने कहा है कि हम ऐसा गठबंधन चाहते हैं जो समान विचारधारा के लोग हों, लोहियावादी हों, चरण सिंहवादी हों, जो कहीं ना कहीं गांधी जी के विचारों में विश्वास रखते हैं, और जो उन्होंने पहली प्राथमिकता उसके लिए दिया था, उसके लिए समाजवादी पार्टी को दिया था। अच्छा। अब समाजवादी पार्टी को इसके लिए डिसाइड करना है कि वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करने के लिए कितना गंभीर है, कितना वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को 2022 में भारतीय जनता पार्टी से निजात मिले। नहीं तो क्या आज जावेद जी ने आप लोग को बुलाया नहीं था क्या सपा का? नहीं देखिए, बुलाने ना बुलाने की बात नहीं है, आपका निमंत्रण आया, मैं आपके टीवी चैनल के स्टूडियो में आया, हमारे यहाँ खुद आयोजन हो रहा है, भव्य आयोजन हो रहा है नेताजी के जन्मदिन पर। आप हमारे प्रदेश कार्यालय में आपके जो है रिपोर्टर भी वहाँ पर गए हुए हैं। हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जो सैफई में कल एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ पूर्व संध्या पर, आज एक विराट दंगल का आयोजन हुआ है, अभी देखिए कार्यक्रम चल रहा है, और हमको तो लग रहा है ये कार्यक्रम अभी कहीं रात को 7-8 बजे तक न चले हमारे पार्टी कार्यालय में।
तो जब हमारे यहाँ आयोजन हो रहा है तो हमको कहाँ किसी और के यहाँ जाने की क्या जरूरत है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो दिल्ली के नेता उत्तर प्रदेश आए हुए हैं बीजेपी के, क्योंकि आपने कमियां तो बता दी बीजेपी में क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उन कमियों को सुधारने के लिए अब दिल्ली वाले नेता आ तो गए हैं, तो वो उन कमियों को सुधारने में लगे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष है, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि हमें बुलाएंगे तो हम जाएंगे, हमारे यहाँ खुद इतना कुछ हो रहा है, उनको आना चाहिए, तो आप लोग का ये बिखराव कहीं उन लोग को ताकत ना दे जाए। नितिन जी देखिए, ये देश के लोग जो हैं बहुत भावुक भी हैं, बुद्धिमान भी हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में उनको अपने झांसे में ले लिया था, अब झांसे में नहीं आने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के। साल भर से किसान दोपहर में, धूप में, जाड़े में, गर्मी में, बरसात में धरना प्रदर्शन कर रहा था, क्या प्रधानमंत्री के पास फीडबैक नहीं जाता था? क्या तब नहीं उनको लगता था कि ये किसान बिल वापस लेना चाहिए? अब चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश का, मुश्किल से 2-3 महीने चुनाव में बचे हुए हैं, 700 से ज्यादा किसानों की जो है वहां शहीद हो गए, असमय अकारण उनकी मृत्यु हो गई, तो क्या इसको भूल सकता है किसान? 4.5 साल तक प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, गृहमंत्री क्या कर रहे थे 4.5 साल तक? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बदला उन्होंने, अगर उनकी सरकार अच्छे से नहीं चल रही थी? तो क्या स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी 2 महीने में? जो काम आप 4.5 साल में नहीं कर पाए, तो ये बहुत हास्यास्पद है। अब वहां से नेता इंपोर्ट करके, दिल्ली से इंपोर्ट करें, मध्य प्रदेश से इंपोर्ट करें नेता, बिहार से इंपोर्ट करें नेता, अब देशवासी प्रदेशवासी इनकी सच्चाई को समझ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2022 में दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है उत्तर प्रदेश में। ठीक है रामहृदय जी, आपने सबकी बातें सुनी, क्या कहना चाहेंगे, कोई जवाब? देखिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पे निरंतर काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी को जनता के ऊपर पूरा भरोसा है, और भारतीय जनता पार्टी दोबारा फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है, न कोई मुख्यमंत्री, कोई मुद्दा नहीं है। कानून व्यवस्था मुद्दा बताया गया है, महंगाई मुद्दा बताया गया है, बेरोजगारी मुद्दा बताया गया, प्रदीप भाई बता रहे थे, बीटीपी भाई ने बताया किसानों की बातों को लेकर के, आखिर जब चुनाव उत्तर प्रदेश में आया तब क्यों आखिरी में जाकर के ये चुनाव? ये एक सवाल का जवाब दे दे नितिन जी, साल भर से जो किसान आंदोलन कर रहे थे, क्यों उत्तर प्रदेश के चुनाव के ऐन वक्त पहले उसको बिल वापस लेने का प्रधानमंत्री, वो भी अभी भी उनके कलराज मिश्रा ने अपनी मंशा जाहिर कर दी, जो राज्यपाल है इनके, कि समय अनुकूल नहीं है इसलिए वापस लिया है, ये लागू भी हो सकता है। देखिए कितना धोखाधड़ी वाली, कितने दो मुहे बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। राम हृदय जी इस बात को क्लियर कर दे, मैं मानूंगा इनको। हाँ, राम हृदय जी मुद्दे तो कई सारे हैं भाई, आप कह रहे इनको केवल साल भर से जब जो आंदोलन चला आ रहा है, दो महीने पहले क्यों इन्होंने वापस लिया, ये बताइए। कौन सा चश्मा आप लोग लगाते हैं कि मुद्दा दिखाइए नहीं? माननीय मोदी जी ने गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर कहा था 9:15। अरे साल भर पहले भी उनकी जयंती आई थी, साल भर पहले कर दिए होते, ये बताइए, साल भर पहले कर दिए थे। दिवाली आई थी, दशहरा आया था, होली आई थी, क्या ये सब त्योहार नहीं है? पूरी गुरु नानक पर भी त्योहार है, कि उसी दिन उन्होंने बिल्कुल बांध के रखा था, नहीं गुरु पर भी मैं इसको वापस लूंगा। साल भर पहले कह दिया था किसानों से कि मैं इसको वापस ले लूंगा, उनको आंदोलन करने की जरूरत नहीं थी। असमय अकारण 700 किसानों की बताइए मौत हो गई, उनको शहीदों का दर्जा भी नहीं दे रहे हैं आप। गुरु नानक देव जी ने कहा था, मानस की जात एक सब पहचानो। तो माननीय मोदी जी ने कहा कि लोग किसान समझ नहीं पाए, और उस तरह से मुझे आज वापस भी ले रहे किसान समझ भी नहीं पाए। अरे आप समझा नहीं पाए, ये बताइए। ऐसा है सपा के प्रवक्ता बन के बोलेंगे कि प्रथमा मुजफ्फरनगर दंगा चल रहा था, सपा नहीं 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 मुजफ्फरनगर चल रहा था, मुजफ्फरनगर चल रहा था, लखीमपुर क्यों लेकर आते हैं? आप के खिलाफ हाथ ने जला दिया सरकार, लखीमपुर की आपके खिलाफ उन्होंने भाजपा को जिताया है। आप अपनी गलती को मानिए, आपको हरा कर जनता ने आ गया है। 2022 में विधायक कोई समय नहीं आया है, 2022 में कोई समय नहीं आया है, ये समझ लीजिए। काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, काट की हाड़ी एक बार चढ़ती है। आपको जनता ने अवसर दिया था, आपने क्या किया? केवल और केवल सिपाही का विकास, सिपाही का विकास, मंत्री के अंदर गृह मंत्री का विकास, एक जिले में 24 घंटा बिजली रामपुर में, मंत्री को बर्खास्त करें, रामपुर गांव में 24 घंटा बिजली, मंत्री को आपने बर्खास्त किया, तो जिले में बिजली नहीं रहेगी। कौन सा बिजली दे रहे हैं? कहीं नहीं बिजली। आज आप आपके सरकार चलाएंगे, मुख्तार अंसारी माफिया जेल से सरकार चलाएंगे, अजीत डोभाल जेल से चलाएंगे, बंद करिए बकवास। और भारतीय जनता पार्टी में भरोसा जता रही है, और सपा समाप्त होने जा रही है, बसपा खत्म होने जा रही है, कांग्रेस खत्म होने जा रही है। तो ये मुद्दे वाली बात मैं पूछ रहा था आपसे कि मुद्दों को लेकर के तो कई सारे मुद्दे जो है विपक्ष बता रहा है आपसे, बेरोजगारी, जनता कहाँ स्वीकार कर रही है, कौन इनको नोटिस ले रहा है? अरे आप नहीं स्वीकार कर रहे, जनता तो स्वीकार कर ली है। कहाँ स्वीकार कर रही है जनता? स्वीकार कर ली, आप नहीं कर पा रहे। अपने जो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा है, वो समाज को क्या संभालेगा, वो पार्टी क्या चलाएगा?
आप तो 2017 में ने परिवार के किसी की चिंता ना करिए, कहा था कि मेरे बेटे ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया। आप कर रहे हैं परिवार की चिंता मत, परिवार की क्या चिंता कर, जो परिवार नहीं संभाल सकता वो प्रदेश क्या संभालेगा, अनिवार्य रो रहे थे वो, देश क्या चलाएगा, उनको उनको मंच पे उनका अभिवादन नहीं किया था मोदी जी ने दिया, 5 सीटें परिवार की जिता के दिखा दिया, नाम समाजवादी और काम परिवारवादी ला दिया। ठीक है जावेद जी, कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जावेद जी? नितिन जी जी, जब राजनीति और मुद्दों की बात होती है तो ये लोग कहीं और भटकते जी। राम हृदय जी, मेरा बड़ा विनम्रता के साथ निवेदन है कि आप अपनी बात रखिए और मुद्दों पर जवाब दीजिए, चूंकि सत्ता में आप हैं। अगर इस तरीके की घटना गिनाएंगे तो उत्तर प्रदेश की एक घटना को पुनः याद कर लीजिए। राम प्रकाश गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री थे और दीपावली के पर्व से 2 दिन पहले उनसे जबरन इस्तीफा लिया गया। वो बुजुर्ग अवस्था में रोते रहे कि दीपावली का त्योहार हमको कर लेने दीजिए, उसके बाद राजनाथ सिंह जी की ताजपोशी करिएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने और आरएसएस ने उनको एक पल कुर्सी पर नहीं रहने दिया और दीपावली का पर्व नहीं मनाने दिया। अगर इस तरीके से बलराज मधोक के साथ आरएसएस ने और भारतीय जनसंघ ने क्या व्यवहार किया था, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आज भारतीय जनता पार्टी में, कल जनसंघ के बहुत बड़े नेता थे वो, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या व्यवहार किया था, अडवाणी जी, जोशी जी, इनका तो छोड़ दीजिए, ये तो ताजे मामले हैं। दूसरे के परिवार पर उंगली उठाने की बात करने वाले लोग दूसरे के बेडरूम में मत झांके, पहले अपने बेडरूम में झांक ले। और आप सप्ताह में हैं, विपक्ष आपसे सवाल करेगा, आप उन सवालों का जवाब दीजिए। DHFL घोटाले में क्या हुआ, मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन ने हार्ट के लिए मरीजों के लिए नकली दवाएं खरीद, उस कंपनी के विरुद्ध SIT जांच की घोषणा मुख्यमंत्री ने की और आज तक SIT को छोड़ दीजिए, उस सप्लायर कंपनी को ब्लैक लिस्टेड तक नहीं किया गया। जो मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन के अधिकारी दोषी थे उनको सस्पेंड तक नहीं, छोड़ दीजिए, 100 का नोटिस तक नहीं दिया गया। बस्ती मंडल में PWD की सड़कें कागजों में बन गई और उसका भुगतान हो गया। अयोध्या के परिक्रमा मार्ग में कितना बड़ा घोटाला हो गया, मुख्यमंत्री जी क्यों उसकी फाइल को दबाए बैठे हुए, क्यों नहीं उस पर जांच के आदेश हो रहे। आप जब मुद्दे की, आपने फर्जी विज्ञापन के बल पर बाराबंकी के एक लड़के का मुख्यमंत्री जी वीडियो ट्वीट कर देते हैं कि इसको लेखपाल की भर्ती हो गई। अरे हम लोगों ने पूछा कि ये विज्ञापन कब जारी हुआ, भर्ती कब हुई, आप बता दीजिए। इसी तरीके से मलिहाबाद के एक नौजवान के साथ धोखाधड़ी की, जब ये सवाल हुआ तो मुख्यमंत्री जी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो वीडियो हटाने का काम करते हैं। तो ये जो सवाल है, कोरोना काल में आप अट्ठास करते रहे बगैर किसी तैयारी के, आज आप कहते हैं कि कोरोना हमारे कारण चला गया। अरे जीका और डेंगू के इलाज के लिए आज मेडिकल कॉलेज तक ये व्यवस्थाएं नहीं है, जिला अस्पताल और PHC CHC छोड़ दीजिए, जवाब लेते हैं, डॉक्टर नहीं है आपके पास, ठीक है जवाब। और उसके बाद आप जो है, आप स्वतंत्रता सुखाए की तरीके से भाषण दे रहे हैं, कोरोना काल में एक एक चिता पर, ये धर्म और संस्कार की बात करने वाले लोग, एक एक चिता पर 300-300 जल गए, उस पर आपको कुछ नहीं दिखाई दिया। ठीक है, प्लीज जावेद भाई, लाखों बैठी आ गई, आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लाखों के ढेर पर खड़े होकर एक दूसरे की पीठ ठोकते रहे, ये बेसर लोग, निर्लज्ज लोग कभी भी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, ये मुद्दे को भटकाने का प्रयास करते हैं। अगर आपने काम किया था, आपके पास आपने काम किया है, तो आज जो भटकाने का प्रयास हो रहा है, जो PR के बल पर उत्तर प्रदेश की जनता को जो गुमराह करने का काम किया जा रहा है, जनता गुमराह नहीं होने वाली। ठीक है जावेद भाई, ठीक है, प्लीज जावेद भाई मैं आता हूँ। हाँ राम हृदय जी, आप मुद्दों की बात कर रहे थे, जावेद भाई ने कई सारे मुद्दे आपको गिना दिए। देखिए जावेद भाई, राष्ट्रीय लोक दल से समाजवादी पार्टी में आ गए, ये सब तो नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, ये कोई बात नहीं, जो जो मेरी बात सुन लीजिए पूरी, बात पहले सुन लीजिए, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब ने कभी अजीत सिंह को नेता नहीं बोला, ये मुद्दा नहीं है राम हृदय जी, जो जो अजीत सिंह जी की गति हुई थी वही अखिलेश जी की होने जा रही है, नेता कोई नहीं हो पाएगा, या तो चौधरी साहब थे या नेताजी गुलाम सिंह यादव है, विरासत में सियासत नहीं चलने वाली है, आपकी तरीके से विरासत में सियासत नहीं चलने वाली है, पैदा करने वाला नहीं, अब कुछ होने वाला है, माफी मांगने वाले सावरकर की विचारधारा के समर्थक कहां पहुंचे,
आपकी कौन सी विचारधारा है लोहिया के कोई परिवार का नाम बता दे, कौन सी विचारधारा है लोहिया के माँ बाप का नाम बता दे। आपके पूरे परिवार में कोई एमपी एमएलए प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, आप लोहिया की बात करेंगे? लोहिया जी के कोई एक लड़के का नाम बता दे जो एमपी एमएलए रहा हो। आपके विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने अपनी किताब में जिन्ना के लिए क्या क्या तारीफ के पुल बांधे, अटल जी ने कितनी तारीफ की है, और आप उसे आप कहिए कि लालकृष्ण आडवाणी बेकार है, गद्दार है, आप कहिए अटल जी गद्दार है, आप कहिए जसवंत सिंह गद्दार है, तो मैं मान लूंगा। मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा था आपकी सरकार में, जवाहरबाग में, मथुरा में क्या हो रहा था, हजरतगंज में सीओ को बोनट पे बैठा के घुमाया जा रहा था, भूल गए आप? मुजफ्फरनगर चल रहा था, कहाँ थे आप, क्या हो रहा था? मुजफ्फरनगर केस के कितने कितने लोग आपके मंत्रिमंडल में सांसद और विधायक है जो आजम खान जी कहते थे बाबा साहब की उंगली इशारा कर रही है कि जो सार्वजनिक जमीन है वो सरकारी हमारी है, कब्जा करो। आप बताओ बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर, संविधान निर्माता के ऊपर उंगली की तरफ वो इशारा करके बताते थे, आज जेल में चक्की पीस रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, ठीक है जावेद भाई, सारी जेल में चक्की पीस रहे हैं। रामिर्दा जी जावेद भाई, क्या योगदान है बता दो अगर अच्छी आपको। ठीक है जावेद भाई, हो गया, प्लीज मैं प्रदीप जी के पास सुनूंगा। प्रदीप जी आप सुन रहे हैं, आपने सुना कि उत्तर प्रदेश में मुद्दों को लेकर जब पूछा गया बीजेपी प्रवक्ता राम हृदय जी से, तो उन्होंने कहा कि मुद्दे हैं ही नहीं। फिर जनता के लिए भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनता भी तो बताए कि कौन से मुद्दे हैं, तो मुद्दे तो नहीं है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी अपने विकास को गिना करके 22 का चुनाव जीत जाएगी, ऐसा उसे कहना है। ना निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बेरोजगारी मुद्दा नहीं हो सकती, भारतीय जनता पार्टी के लिए कानून व्यवस्था मुद्दा नहीं हो सकता, भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगाई मुद्दा नहीं हो सकता, भारतीय जनता पार्टी के लिए 1,000 रुपए में सिलेंडर मुद्दा नहीं बन सकता, 100 रुपए में पेट्रोल मुद्दा नहीं बन सकता, 200 रुपए में कड़वा तेल मुद्दा नहीं बन सकता, बेरोजगार नौजवान मुद्दा नहीं बन सकता। कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे, तो पिछली सरकारों पर बोनट और यहाँ यहाँ की बातें बता रहे थे। अपनी भारतीय जनता पार्टी अपनी की पिछली सरकारों पर आप भी याद कर लीजिए, मुख्यमंत्री आवास से 500 मीटर दूरी पर पहली बार AK-47 की गर्जना राजधानी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देखी थी। हजरतगंज के अंदर 150 से ऊपर राउंड गोलियां चलती हुई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देखी गई थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही लखनऊ और राजधानी ने 1K56 और 1K47 देखी थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन के मुखिया ने एक अपराधी के मारे जाने पर सदन को बताया कि वो फला अपराधी मारा गया, और सदन के सारे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने पिया में थपथपा के उसका स्वागत किया था। ये आपके कार्यकाल में हुआ है, और जब ये कार्यकाल आता है तो कार्यकाल के मुखिया, सदन के मुखिया ने एक बार फिर कहा कि एक पाउडर बरामद हुआ है, इससे पूरी विधानसभा उड़ जाती, आज तक उसकी विवेचना नहीं हो पाई। वो पाउडर आया कहां से, वो अपराधी कौन था जो लेकर आया, ना कोई गिरफ्तार हुआ ना कोई गिरफ्तार होगा। जब आप बात करते हैं कानून व्यवस्था की महोदय, तो आप लगातार चाहे उन्नाव की बात रही हो, चाहे हाथरस की बात हो, चाहे लखीमपुर की बात हो, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधियों को संरक्षण देते हुए नजर आती है और उनके संरक्षण में खड़ी नजर आती है। और जब हमारी नेता प्रियंका गांधी इन अपराधियों के खिलाफ बोलती नजर आती हैं, तो आप उन्हें गिरफ्तार कर देते हो। जब आप कोरोना पे बात करते हो, कोरोना पे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोरोना पीड़ितों और उस समय चलते हुए उत्तर प्रदेश की आवाम जो सड़कों पर चलती हुई चली आ रही थी, उनकी सहायता की बात करती है, उनके लिए हम बसों की बात करते हैं, तो हमारे अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लेते हो, 3-3 महीने हमें जेल में रखते हो। आप कोरोना पीड़ितों की बात करते हो, और उस समय टेस्टिंग किट घोटाला करते हो, ऑक्सीमीटर घोटाला आप करते हो, ऑक्सीजन एक एक सिलेंडर 1,00,000 रुपए में बेचते हो, और आप जब लाशों की बात करते हो, आपका मुद्दा होता शमशान घाट और कब्रिस्तान, उस समय आप ये देख रहे हो रामनामी, जो लाशों पे रामनामी थी और कुत्ते नोच रहे थे, आपने ऐसी व्यवस्था नहीं की उन रामनामियों को कुत्ते ना नोचें, आपने जिन्होंने वीडियो दिखाया, जिन्होंने बताने का प्रयास किया, उन्हें गिरफ्तार करने का काम किया है। आप ऐसी व्यवस्था चाहते हो, आप मुद्दों को समाप्त कर देना चाहते हो, और आप बेरोजगारी पर बात करते हो, आप किसानों पर बात करते, किसानों की बात करते हो, बेरोजगारी की बात करते हो। आपके कार्यकाल में आप बताए किसान, जब पूरा पूर्वांचल जो शक्कर गन्ने का कटोरा कहा जाता था, आज पूरी की पूरी स्थिति वहां पे क्या,
आज क्या उनको मूल्य मिल रहा है? आज उत्तर प्रदेश के अंदर आपके कार्यकाल में कम से कम चूड़ी उद्योग 50% के कारखाने बंद हो जाते हैं, चलते हुए 1500 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है, वाराणसी में 6000 करोड़ की सिल कारोबार समाप्ति के दौर पर हो जाता है, भदोही में 1200 करोड़ का कालीन कारोबार लगभग समाप्ति के दौर पर है, कानपुर और आगरा के 6000 करोड़ के लेदर उद्योग लगभग समाप्ति की ओर है, 400 करोड़ की लकड़ी उद्योग की हालत पतली है, उसके बावजूद भी आप कहते कोई मुद्दा ही नहीं है। आपके लिए मुद्दा नहीं हो सकता, निश्चित तौर पर आपके लिए कोई मुद्दा होगा तो जिन्ना की मजार पर चद्दर चढ़ाना और जिन्ना की जय जयकार करना। आपके लिए अगर मुद्दा होगा, आपके लिए निश्चित तौर पर मुद्दा होगा, तो इस तरह की बातें जो कहीं न कहीं समाज को तोड़ने की बात करती हूं, और आपके लिए मुद्दा होगा कि आपके थानों पे आज भी अगर FIR लिखाने के लिए कोई मिश्रा जी, तिवारी जी, शुक्ला जी चले जाएं और ये कह दें मेरी साइकिल चोरी की FIR हो रहा है, हमें करानी है, तो ठाकुर साहब जो दरोगा जी बैठे हुए 20 लाठी मारते हैं, कहते हैं ये अपराधी है, इसे बंद कर दो। ये मुद्दा आपके लिए है और इसी तरह के मुद्दों पे आप बात करते हो। आप इस समय आज की डेट में आपके थानों पर कोई पंडित जी हो, कोई दलित हो, कोई अल्पसंख्यक हो और कहीं इत्तेफाक से यादव जी FIR नहीं करा सकते। ये मुद्दे आपके लिए हैं और ये मुद्दे आपके लिए हमेशा हमेशा बने रहेंगे। ठीक है राम हृदय जी, जो बातें अभी प्रदीप जी ने गिनाई हैं, जो आंकड़े गिनाए हैं, ये आंकड़े सही हैं? देखिए प्रदीप जी आंख उठा के थोड़ा राजस्थान भी देखे। अरे हम ये दलित उत्पीड़न सर, ये नहीं, आज मुझे नहीं राजस्थान भी देखिए। नहीं नहीं, आप इस तरह से डिबेट नहीं करते। थाने ने देखिए, देखिए देखिए माननीय कांसीराम साहब कहा करते थे, जिसका CM होता है उसका SP और DM होता है, ये कर्मचारी अधिकारियों की कोई जात नहीं होती, कोई थाना अध्यक्ष ये कोई मतलब नहीं है, समझ गए बात को? नहीं नहीं, ये कोई मतलब विषय नहीं। और ये FIR इस तरह की बात क्यों कहते हैं भाई? सपा के लिए आप लोग इस तरह की बात क्यों कहते थे? जावेद भाई की क्या गलती थी? कांग्रेस जातिपाति की राजनीति। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हमारे यहाँ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास में काम। नहीं नहीं, आप बता दीजिए आज नहीं, ये कोई बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं बस इतना कह रहा था राम हृदय जी, राम हृदय जी हमारे यहाँ मेरिट के आधार पर DMSP था, 80% थाने पे इंस्पेक्टर केवल ठाकुर साहब ही जो। अच्छा नहीं राम हृदय जी, मैं बस इतना कह रहा था शेड्यूल कास्ट के दावे के साथ कह रहा हूँ, चुनौती देता हूँ मैं 80%। नहीं नहीं, मैं कोई बात नहीं, अरे सुनिए तो मेरी बात सुनिए, कांग्रेस नहीं देखते आजादी से अब तक, नहीं करा सकते आजादी से अब तक कांग्रेस में भारत में प्रधान सरदार पटेल को प्रधानमंत्री परिवार की राजनीति करती है, देश की जनता ने कांग्रेस को खारिज कर दिया है। आज कांग्रेस में केवल माननीय सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी बचे हुए हैं, चौथा कोई कांग्रेस में लीडर नहीं है। बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री, बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया कांग्रेस के राष्ट्रीय बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है, आगे आगे बात आ गई, आप लोगों की बात आ गई, जातिवादी पार्टी है, कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है, कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है, पूरी कार्रवाई हो रही है, निष्पक्ष और न्याय सरकार चल रही है, ईमानदार सरकार चल रही है। आज उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया है, आजाद की भीख मांग रहे हैं, संकट से अनुमान बचाए हैं, मोदी से जान आप भारत माता की जय बोलते हैं, सुबह आज गोली मार रहे हो, इनके पास तरही हुआ होता की बात, जेडू में पढ़ने गया था, देश पूरे दिन नारा लगा रहा, इन हार्दिक पटेल जिग्नेश मेवाड़ी देने वाले लोग इस देश के दोस्त हैं, आवाज में घुसकर आगे भाई बात आ गई आप लोगों की, ठीक है बात आ गई, बात आ गई, प्लीज आ गई, बस 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 मैं DP भाई के पास चलूंगा, ठीक है हो गया हो गया, प्लीज प्लीज DP भाई, अभी राम हृदय जी ने एक बात कही है कि ये जो किसान बैठे हुए थे इन्हें कांग्रेस फंडिंग कर रही थी और फिर अचानक से किस कृषि कानून को वापस ले लिया गया। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ यही दिक्कत है, पता उसको सब कुछ है, फंडिंग कहां से हो रही है, देशद्रोही कहां है, लेकिन कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं है। आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हो? अगर देश विरोधी नारे लग रहे हैं,
एंटी सोशल एलिमेंट है देश में, तो किसकी जिम्मेदारी है, किसकी सरकार है? क्या फेल हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? तो ऐसी सरकार को तो नहीं रहना चाहिए। आप कहते हो हिंदू खतरे में है, अरे भाई राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, गृहमंत्री हिंदू है, अब कौन सा हिंदू किसको चाहिए कि हिंदू की सुरक्षा हो जाए? कैसे हिंदू तो खतरे में है, हिंदू कैसे खतरे में है? यानी आप केवल देश में डर का माहौल पैदा करना चाहते हो। अच्छा ठीक है, एक सवाल और बताइए, ये जो पुलिस वालों को लेकर सवाल हो रहा था, प्रदीप भाई ने कहा कि थानों में पता कर लीजिए, जो मौजूदा सरकार है उनसे जुड़े हुए लोग हैं, तो राम हृदय जी ये कह रहे हैं कि जिसकी सरकार होती है और उसी काबिल के हिसाब से अधिकारियों को रखा जाता है, तो फिर आप लोगों के ऊपर ये बात क्यों कहते थे ये लोग? जी देखिए, कितने काबिल लोग रखे गए हैं कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या कर देते हैं, वो पुलिस वाले कितने काबिल हो गए आप सोचिए, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में, कितनी शर्मनाक बात है। उस पर तीन हत्या का मुकदमा पहले था, उसकी हत्या कर देते हैं, विवेक तिवारी की हत्या कर देते हैं, किस प्रकार से इनके जो है पुलिस वाले कितने योग्य हैं? ये सही बात है कि आज सिर्फ और सिर्फ दो जातियों का केवल कब्जा है, केवल ब्राह्मण और राजपूत का। आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ के जितने थाने हैं उनमें देख लीजिए, क्या किसी मौर्य के अंदर योग्यता नहीं है, किसी पटेल के अंदर योग्यता नहीं है, किसी प्रजापति के अंदर योग्यता नहीं है थानेदार बनने की? ब्राह्मण और राजपूत केवल थानेदार है उत्तर प्रदेश के, लखनऊ की मैं बात कर रहा हूं। आप अगल बगल अपने थाने के आसपास की जानकारी ले लीजिए। आप इसका कारण क्या मानते हैं? कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी आकंठ जातिवाद में जुटी हुई है। अच्छा, केवल अपने जातियों के लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी के उच्च जातियों की पार्टी है, वही जो उसके शुरू से गठन से लेकर के आज तक, और यही करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, किसानों को भी इसी प्रकार से गुमराह करना चाहती थी। मैं तो उन किसानों को सलाम करता हूं जो दिन रात अपने हक की लड़ाई लड़े थे, जाड़े गर्मी बरसात धूप में सड़क पर बैठे रहे, जिससे उनके जो है शोषण का जो मार्ग प्रशस्त कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, अपने केवल पूंजीपति मित्रों को लाभ देने के लिए, जो गुजरात के अब अडानी और अंबानी है उनसे उन्होंने लड़ाई लड़ी है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ाई लड़ी है, उनके दबाव में भारतीय जनता पार्टी को यह बिल वापस लेना पड़ा है। और जहां तक आप बात कर रहे थे मुद्दों की इनकी, तो जब हवस आदमी के ऊपर सवार हो जाती है, सत्ता की लालसा जब उसके अंदर हो जाती है, तो वो उसको मुद्दे दिखाई नहीं देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से किसानों का नरसंहार हो रहा है, किस प्रकार से बेरोजगार। अभी कल 23 तारीख को जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला था, वो विधानसभा घेरने जा रहे हैं, देखिए क्या होता है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दिया हुआ है, क्या बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है राम हृदय जी, डीपी भाई की बात आपने सुनी सारी चीजें। देखिए डीपी यादव जी जैसे मित्र हैं हमारे, बात जैसा आदमी नहीं, तो इससे हल्का थोड़ी ना बोलेंगे आपके लिए। एक मिनट ठीक बोल रहे हैं, ऐसा है जैसा जिसका नजरिया होता है वैसा है वो चश्मा लगाता है। इनकी सरकार में यादव ही मुस्लिम हुआ तो इसलिए इनको यहाँ ठाकुर पंडित दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? पूरे आपने कितने दलित को, आपने कितने दलित को मिनिस्टर बनाया? अरे आपने कितने ओबीसी को बनाया? हमारे यहाँ देखे मौर्य के अंदर योग्यता नहीं है, जाति के अंदर योग्यता नहीं है, हरि के भजन के अंदर योग्यता नहीं है, आपको दिखाई देगी, आपको उनके अंदर योग्यता नहीं दिखाई देगी, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ जातियों के अंदर योग्यता दिखाई देगी। यादव मुस्लिम छोड़ बाकी सब है भाजपा की ओर, यादव मुस्लिम छोड़ बाकी सब है भाजपा की ओर, वो तो पता चल जाएगा आपको चुनाव में जाइए। जिस प्रकार से गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेता भगाए जा रहे हैं, जिन्ना की सरकार, अरे जिन्ना जी से पूछिए ना, आडवाणी जी से पूछिए क्यों मजाक कर जिन्ना को चलाने गए थे, क्या किया आपने आडवाणी के साथ, कौन मजाक कर जिन्ना के चलाए थे चद्दर, जिन्ना के मजार पे चद्दर कौन चला रहा था, कौन गया था जिन्ना के मजार पे, आप बताइए, पाकिस्तान में जाकर के जिन्ना के मजार पे आप चद्दर चलाते हैं और आप कहते हैं जिन्ना परस्त, जो भी गुंडे हैं आप, राम हृदय जी आप तो ऐसी बात न करिए, आप भाजपा के एक प्रवक्ता हैं, आपको तथ्यों की जानकारी होगी, कैसी जानकारी है, आडवाणी के बारे में बोलिए, आडवाणी के बारे में बोलिए, क्यों गए थे आडवाणी जी, जिन्ना की मजार पे चद्दर चलाने क्यों गए थे, आप बताइए क्यों गए थे, क्यों गए थे आडवाणी जी जिन्ना की मजार पे, आप इसका जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, क्यों गए थे, हम अपनी गलती को स्वीकार, मोदी जी बिरयानी खाने क्यों गए थे बताइए, नवाज शरीफ के साथ क्यों गए थे मोदी जी, नवाज शरीफ के साथ क्यों गए, गलतियों की वजह से जनता ने, आपको गलतियों की वजह से नहीं, आपके नेता आपके सांसद आपके विधायक जिस प्रकार से गांव वाले खदेड़ रहे हैं, 2022 पता चल जाएगा,
दिखाई देगा। 2022 में आपको पता चल जाएगा जिस प्रकार से आपके नेताओं को गांव से खदेड़ा जा रहा है। नेता जी वो दिन दूर नहीं जब आपको उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, ऑल राइट, ठीक है ठीक है। बाबा साहब का संविधान रहेगा, बाबा साहब के संविधान से ही तो गरीबों दलितों वंचितों के हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। आप ठीक है, समय कम है, समय कम है, डिबेट को खत्म करना है। बाबा साहब के संविधान से ही लोगों का हक और लोगों का अधिकार है। यहाँ पर आपकी पार्टी तो सब खत्म कर रही है। आप सबका वर्जन आ गया, ठीक है। सारे संस्थानों को बेच रही है, सारे संस्थानों को खत्म कर रही है। रेलवे बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, क्या नहीं बेचा आपने? ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनावों को लेकर और बाकी चीजों को लेकर के लगातार जो राजनीति गरमाई हुई है, आपने देखा कि हमने मुद्दा शुरू कुछ और किया था, लेकिन आखिरी में आकर हम जिस तरह से जातवाद के बंधन में फंस गए, तो इससे ये साफ साबित होता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो इस बार का चुनाव है और जो वोट है, वो कहीं ना कहीं एक टुकड़ा ऐसा भी होगा जो जात के नाम पर वोट डालने वाला है। फिलहाल हमारी प्रयास और हमारा कोशिश यही रहेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता के जो आम मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर ही जनता, हम और आप वोट दें और एक ऐसी सरकार बनाए जो हमारे और आपके विकास के लिए काम करे। आज की डिबेट में इतना ही। मैं दिजनमती, नमस्कार।